Hello, how are you? Thank you so much. It's me, Suleiman Khan, and today I'm just going to discuss about immunology and serology, chapter 3rd, lecture 3rd, chapter 3rd, pathology, 4 semester paper. Okay, well, what is immunology and what is serology? This is a very specific, this is a very important subject. We have important chapter regarding in pathology. Well, what is immunology? The study of immune system or the study of immunity is called immunology. What is meant by immune system or what is meant by immunity? Yes, immunity is the study of defense cell. What is meant by defense cell? It is the type of WBC or it is the role of WBC which we can study about immune cell or immunity. WBC, antibody cell, T cell, B cell, granulocyte and egg granulocyte, the whole study is called immunity, as you can say immunology. So the study of immunity is called immunology, or the physiological process in which body should resist against toxin, antigen or pathogen. This means that this study is मालूम करते हैं, स्टडी करते हैं, जब बॉडी रिस्पॉन्स शो करता है किस चीज के खिलाफ, टॉक्सिन्स के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ, ये वो अवामिल है या ये वो जराए है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, नुकसान देता है, और इसके अगेंस्ट अगर बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो करे, इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, और स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनिटी, और स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी. तो इसका मतलब यह है कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी का मतलब यह है कि इसमें हम डब्ल्यूबीसी की स्टडी करते हैं. डब्ल्यूबीसी का मतलब यह है कि इट इज ए डिपेंडेबल सेल, इट इज ए ऑर्बी ऑफ द सेल. तो कैन यू कैन सी कि डब्ल्यूबीसी बेसिकली कंसिस्ट है किस चीज पे, व्हाइट ब्लड सेल पे, टी सेल पे, बी सेल पे, ग्रेन्यूलोसाइट है हमारे पास, ए ग्रेन्यूलोसाइट है. द होल स्टडी इज कॉल्ड इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनोलॉजी. इसके बाद क्या है कि इम्यून सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट है हमारे पास टू टाइप्स के टाइप है. द फर्स्ट वन है इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन है हमारे पास है एक्वायर्ड. व्हाट इज मीन बाय इनेट एंड व्हाट इज मीन बाय एक्वायर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. कि हमारे पास अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनेट इम्यूनिटी इट्स मीन दैट इटसेल्फ. तो इट्स प्रेजेंट एक्सेल ड्यूरिंग बर्थ. इसका मतलब यह है कि ये वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं एक्सेल बाय बर्थ, यानी बर्थ से लेकर, यानी वन डे का बर्थ जो होता है इनसे लेकर एंटायर लाइफ तक की बॉडी में क्या होता है, मौजूद होता है. ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ये खुद बहुत प्रेजेंट होता है. यू कैन से नॉर्मल फ्लोरा. तो नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली क्या है, हमारे पास इनेट इम्यूनिटी में आते हैं. का मतलब यह है कि स्किन के ऊपर होते हैं, स्टमक में होते हैं, ऑरल में होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में जितने भी है वो होते हैं, वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, डिपेंडेबल करता है, डिफेंड करता है किस चीज के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, टॉक्सिन के खिलाफ. तो हमारे पास फर्स्ट एंटीबॉडीज है स्किन. स्किन का मतलब क्या है कि स्किन के ऊपर क्या होते हैं, डर्मल फ्लोरा होते हैं, और डर्मल फ्लोरा बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को डिपेंड करता है किस चीज से, एंटीजन से, पैथोजन से. इस नो के ग्लोब एनवायरनमेंट में आप देखें हजारों की तादाद में माइक्रोऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, टॉक्सिन्स मटेरियल है, कार्सिनोजेन है, इनसे हमारे बॉडी को क्या करता है, डिफेंड करता है, सेफ करता है, प्रोटेक्ट करता है. ये कौन करता है, इनेट इम्यूनिटी का. तो इनेट इम्यूनिटी बेसिकली क्या होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं, स्टमक में होते हैं, इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होते हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा इसके फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है. तो कहने का मतलब ये है कि इम्यूनिटी के टू टाइप्स हैं, ये फर्स्ट वन है इनेट इम्यूनिटी, ये सेकंड वन है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड का मतलब क्या है, एक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, स्पेसिफाइड करता है इन्फेक्शन के खिलाफ, वो क्या हो जाती है, डिबेट हो जाती है, लेकिन पर स्पेसिफिक इन्फेक्शन. तो कहने का मतलब ये है कि सेव फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी में इस तरह की कोई इम्यूनिटी आ जाए तो ये क्या करते हैं, एक्वायर्ड का मतलब ये है कि सेव फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी में वायरल इन्फेक्शन आ जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए, फंगी इन्फेक्शन आ जाए, या पैरासिटिक इन्फेक्शन आ जाए, तो इसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक्टिवेट होता है, और वो एंटीबॉडी बेसिकली क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं एक्वायर्ड. सेव फॉर एग्जांपल,
हमारे बॉडी में इस तरह अलग चाहे उस कोरोना में है, कोरोना का मतलब बेसिकली क्या है कि ये वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज बेसिकली इफेक्ट करता है हमारे बॉडी में, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, इसके अलावा बहुत ज्यादा लंग्स इफेक्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के खिलाफ डेवलप होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के खिलाफ इस लेकोसाइट एक्टिवेट होगी, लेकोसाइट प्रोड्यूस करेगा, बी से बी से प्रोड्यूस करेगा ये बॉडी, इसके बाद टी से प्रोड्यूस होगा, टी से के बाद साइटोकाइन। तो किसी का मतलब ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो हमारे बॉडी में स्पेसिफाइड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर सम या स्पेसिफिक इंफेक्शन। यू कैन से कि हमारे पास अगर बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन आ जाए तो बैक्टीरियल इंफेक्शन के खिलाफ क्या होते हैं, मोनोसाइट एक्टिवेट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोनोसाइट क्या है, बेसिकली हमारे पास है स्पेसिफिक। फिर इसके बाद देखा है कि ये हमारे पास इम्यूनिटी के टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसके बाद है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो इसका मतलब ये है कि ये सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस द रेडिएशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो यू कैन से हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बी सेल। बी सेल बेसिकली क्या है, एंटीबॉडीज है, और टी सेल क्या है, साइटोकाइन्स है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी में सेल मेडिएटेड हो जाए, तो सेल मेडिएटेड का मतलब ये है कि फॉर्मेशन और एक्टिवेशन ऑफ लेम्फोसाइट अगेंस्ट स्पेसिफिक जर्म। तो इसका मतलब ये है कि सेल मेडिएशन बेसिकली वो प्रोसेस है जो हम अमूमन, या यू कैन से कि जो हम अमूमन इस तरह स्पिल करते हैं कि ये वो फॉर्मेशन के या एक्टिवेशन के वो सेल जो हमारे बॉडी में स्पेसिफाइड होते हैं। तो यू कैन से हमारे पास लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट फर्स्ट फेज में प्रोड्यूस करेगा बी सेल, सेकंड फेज में प्रोड्यूस करेगा टी सेल। तो कहने का मतलब ये है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाए या और भी इस तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए किस चीज के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ, यू कैन से एंटीजन के खिलाफ। तो इसके टू टाइप्स के डिफरेंस होते हैं, हेल्पर टी सेल एंड इसके अलावा आएगा है बी सेल। हेल्पर टी सेल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का कमाल क्या होता है, वो हमारे बॉडी को डिफेंड करता है किस चीज के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, पैथोजन के। इसके बाद देखा है हेल्पर टी सेल या सेल मेडिएटेड का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास फेगोसाइटोसिस। यानी फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है लाइसोसोमिक एक्टिविटी, एंड लाइसोसोमिक एक्टिविटी बेसिकली कंसिस्ट है थ्री टाइप के, फर्स्ट वन है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज एंटीजन आ जाए, पैथोजन आ जाए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर क्या करते हैं, सेल को एंगल्प करते हैं, हड़प करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दिस इज यू कैन से दिस इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। फिर इसके बाद क्या है हेम्युलेटरी बॉडी, हेम्युलेटरी बॉडी का मतलब ये है कि ये वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इस टाइप है, ये परफॉर्म करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी पर स्पेसिफिक जर्म। यू कैन से हमारे बॉडी में कोरोना है, तो कोरोना के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा लिम्फोसाइट, इसके लिए मोनोसाइट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी में हमारा पास्ता थोड़ा इन्फेक्शन आ जाए, या इस तरह के छुपा के साथ है, गुलाई आ जाए या यूटीआई आ जाए, तो इसके लिए प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक मोनोसाइट, यू कैन से मोनोसाइट। तो हेम्युलेटरी का मतलब ये है कि ये वो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज है जिसमें हमारे बॉडी स्पेसिफिक प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक इन्फेक्शन के खिलाफ। इसके अलावा लगा है व्हाट इज एंटीजन, तो एंटीजन बेसिकली ये एक प्रोसेस है, यू कैन से द प्रोसेस या द वे व्हिच द बॉडी स्टिमुलेट या द एंटीबॉडी या योर बॉडी रिस्पॉन्स स्टिमुलेटेड अगेंस्ट पैथोजन। तो यू कैन से एंटीजन का है आर द सब्सटेंस व्हिच स्टिमुलेट द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बेसिकली इज प्रोटीन इन नेचर। व्हाट इज मीन बाय एंटीजन, एंटीजन वो प्रोसेस है जो हम इसको फॉरेन पार्टिकल भी कह सकते हैं, जो बाहर से आके हमारी बॉडी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, रिसेस करता है। तो यू कैन से एंटीजन वो सब्सटेंस है जिसमें हमारे बॉडी स्टिमुलेट हो जाते हैं, एंटीबॉडी स्टिमुलेट हो जाते हैं किस चीज के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, यू कैन से पैथोजन के खिलाफ, यू कैन से माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ। इसके अलावा जो रिस्पॉन्स पेश करता है इसको हम कहते हैं एंटीजन रिस्पॉन्स। बेसिकली एंटीजन क्या होता है, इट इज अ प्रोटीन इन नेचर, यू कैन से इट इज अ प्रोटीन इन नेचर, एंड सच इज ग्लाइको प्रोटीन, लिपो प्रोटीन एंड न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यू कैन से एंटीजन बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर है, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, सच इज ग्लाइको प्रोटीन, लिपो प्रोटीन एंड यू कैन से न्यूक्लियो प्रोटीन। इसके बाद देखा है कि एंटीजन के कुछ टाइप्स है, तो द फर्स्ट वन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है एक्सोजीनियस एंटीजन, एंडोजीनियस एंटीजन
contingent, complete contingent, incomplete contingent, and half contingent. What is meant by exogenous contingent? Exogenous contingent, it is basically, it is a macro patch. You can say macro patch ka matlab ye hai, basically it is performed like zoom activity. To macro patch ka basically matlab kya hai? Ye wo process hai jisme antigen antibodies ki jab clumping ho jati hai, destruction ho jati hai, inko kya karte hai? Engulf karte hai, inko harap karte hai through the lysosome activity. So you can say exogenous activity ka matlab ye hai ki it is circulating in whole body such as endemic bacteria, virus, fungi, parasite. To iska matlab ye hai ki exogenous basically hum kis cheez ko kehte hain outside. To you can say ki ye body mein circulate hota hai, circulation karta hai, har jagah present hota hai. Ye bacteria, virus, fungi, parasite ko kya karta hai? Invade karta hai, inko harap karta hai. You can say it is also called APC, antigen processing cell ya antigen presenting cell. You can say it's also called ABC. Fir se baat hai kya endogenous antigen, endogenous antigen ka matlab ye hai ki inside cell. To ye basically kya hai, body or cell, HLA human leukocyte antigen ya blood blood grouping ya body or cell. Iska matlab ye hai ki say for example hamare body mein jo blood grouping hai, hamare body mein jo leukocyte level hai, hamare body mein jitne bhi clumping hai, वो बेसिकली स्पेसिफिक है. खुदा ना खास्ता अगर हम इस तरह की एंटीबॉडी ए के बजाय बॉडी को बी करें या ए के बजाय बॉडी को ओ नेगेटिव आप ट्रांसफर करें तो बॉडी में क्या होगी, क्लंपिंग होगी. तो बेसिकली क्या है, एंडोजीनस एंटीजन है. इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में स्पेसिफिक जो एंटीजन होता है वो ये होता है कि बॉडी का जो ऑन सेल है, ब्लड ग्रुपिंग में जितने भी सेल्स एक्टिविटीज है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा लिखा है complete antigen. Complete antigen का मतलब ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें इंड्यूस एंटीबॉडीज होते हैं, यानी आपके जितने भी एंटीबॉडीज एक्टिविटीज है वो क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं. जब वो इंड्यूस हो जाते हैं तो एंटीजन खुद ब खुद रिएक्शन प्रोड्यूस करता है पर स्पेसिफिक टाइम. तो इसको हम देख कंप्लीट है. इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि ये नॉन रूटीन सब्सटेंस होते हैं, इसमें बॉडी जितने भी सिस्टम होते हैं वो रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करते, एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करते. दैट द रीजन कि आपको इनकम्प्लीट और कंप्लीट एंटीजन में फर्क सिर्फ ये है कि एस एग में एंटीबॉडीज इंड्यूस होता है, एग में एंटीबॉडीज इंड्यूस नहीं होता. फिर इसके बाद देखा है आपके एंटीजन, आपके एंटीजन का मतलब ये है कि इट इज प्रेजेंट इटसेल्फ ऑन ए बॉडी. तो आपको बेसिकली हम किस चीज को कहते हैं, प्रेजेंट इटसेल्फ ऑन ए बॉडी व्हिच परफॉर्म बॉडी डिफरेंट रिएक्शन. सो दैट द रीजन द होल स्टोरी ऑफ अबाउट इम्यूनोलॉजी. यू कैन से कि इम्यूनोलॉजी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिगार्डिंग पैथोलॉजी, रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड. सो दैट्स व्हाई इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और स्टडी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स व्हिच आर बॉडी टू रिएक्ट अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स, पैथोजन, एंटीजन. सो टुडे दिस इज अबाउट immune and immunology. Inshallah, we will discuss more later. Thank you. Stay healthy.